तुम हो ही इतनी खूबसूरत, इसलिए देखता हूँ सिर्फ सूरत। आ, कविता बन गई, कविता बन गई। कवि तिलक वाले मुर्गन, तुम्हारा जवाब नहीं। मुर्गन नहीं, मुर्गा कहो खुद को, पक पक करते रहते हो। मुझे शॉप में एक हेल्पर की जरूरत है। काम करना चाहोगे? पैसे मिलेंगे। छोकरी के साथ नौकरी? दिन के पूरे 50 रुपए और 2 चाय फ्री। डील काफी अच्छी है। गुस्सा मत हो मुर्गन, तुम अभी नादान हो लड़की। अरे मुर्गन चाहे तो राख को भी सोना बना सकता है। और बाय द वे, मुर्गन तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता है, असिस्टेंट नहीं। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बिना किसी मेहनत के तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे और पूरा देश चलाओगे? तुमने सिर्फ मेरा जेरॉक्स देखा है, ओरिजिनल में कितना दम है जानती नहीं। एक बार बात करने का मौका तो दो। रोड के कॉर्नर पे मेरा इंतजार करना, पापा आने वाले हैं। लंच के लिए घर जाऊंगी, तब बात कर लेना। लेकिन हाँ, ये आखिरी मौका होगा। आज अगर इम्प्रेस नहीं कर पाया तो दुनिया छोड़ दूंगा। क्या सर, बंदर छाप दंत पंचन बंदरों के लिए नहीं है या जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है? हाँ हाँ सर, वैसे भी आपके होते हुए जानवरों की क्या जरूरत है। चलता हूँ। दूर ही रहो वरना रोड साइड रोमियो समझ के धुलाई हो जाएगी। अच्छा जोक मारती हो। मैं बहुत सीरियस हूँ। माथे पर विभूति लगा के कुछ छुपा रहे हो क्या? ये निशान कैसा है? पता है, जब मैं छोटा था तो माँ पूजा करके राख मेरे माथे पे लगाती थी ताकि मुझे किसी की नजर न लग जाए। जो जो मुझे उस गेटअप में देखता तो देखते कहता कि अरे ये तो बिल्कुल भगवान मुर्गन की तरह दिखता है, तो माँ ने मेरा नाम ही मुर्गन रख दिया। और हर दिन वो पूजा की राख से तिलक लगाने लगी। जब 5 साल का हुआ तो स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था, तो माँ ने मुझसे कहा, बेटा अगर तुझे फर्स्ट आना है तो मुर्गन बन जा। मैं उनकी बात मान गया और बन गया मुर्गन। उनकी बात सच निकली, फर्स्ट प्राइज मिला। 6th स्टैंडर्ड में फिर से भगवान मुर्गन बन गया। फिर से फर्स्ट प्राइज नहीं तो सेकंड प्राइज। जो लड़का बाल गणेश बना था उसे फर्स्ट प्राइज मिला। सीनियर क्लास में भी ड्रामा में हिस्सा लिया, लेकिन फिर से वही रोल मिला, भगवान मुर्गन स्वामी, मुर्गन स्वामी। जूनियर कॉलेज में गया तो लड़कियां मेरा मजाक उड़ाने लगी। मैंने सोच लिया आपसे कभी तिलक नहीं लगाऊंगा, तो तिलक तो हट गया और उसके मार्क्स नहीं हटे, तो इन निशानों को छुपाने के लिए फिर से तिलक लगाने लगा। वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तिलक लगाने के पीछे इतनी दर्द भरी कहानी होगी। नाइस फ्लैशबैक, लेकिन मुझे बोरिंग लगा। रात को बियर पीने के बाद यही बोरिंग कहानी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। क्या कहा? सच्ची। अरे मैंने टैक्सी नहीं बुलाई। लड़की पे लाइन मार रहा है। नहीं नहीं, मैं तो उसका अंकल हूँ। अरे अरे मेरे भाई, अरे मेरी बेबी के साथ इज्जत रख लो। अरे मैं चलता रहा, तुम्हारे साथ ऐसा मत करो। अरे रुको। बधाई हो, बेटा हुआ या बेटी? बेटा हुआ है, एकदम मक्खन जैसा गोरा। इतना गोरा यकीन नहीं होता कि मेरा ही बेटा है। मैंने तो पहले ही कहा था ये निकम्मा गली के कुत्ते की तरह पिटेगा किसी दिन। हो गई बात सच। प्यारे मित्रों, शेर को बब्बर शेर हुआ है, इसलिए ये छोटा सा पार्टी, पेट भर के खाना। और भाई आज कुछ ज्यादा ही हिल रहा है, बॉडी के पुर्जे ढीले कैसे हो गए तेरे? इतनी धुलाई होगी तो यही होगा ना। तुझे कैसे पता चला मेरी धुलाई हुई है? अबे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ मैं। कौन थे वो लोग? हाँ, उनसे आधार कार्ड मांगता ना कि कौन हो भाई, कहाँ से आए हो। बेबी के पापा ने गुंडे भेजे थे। लड़की के बाप ने मारा, सेम स्टोरी। केशव तूने चुपचाप मार खा लिया? क्या यार, ये किसी गुंडे का काम नहीं लगता है, लगता है किसी धोबी ने तेरे को कपड़ा समझ के धो दिया। लड़की पलटी तो समझ लो फंसी। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या पॉलिटिकल सलाह चाहिए तो ऑफिस पे आ जा। होने वाला मंत्री हो ना, फोन टैप भी हो सकता है, इसीलिए ऐसी बातें फोन पर तो कभी नहीं करनी चाहिए। अरे हेलो, बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? क्या है बे? गिफ्ट। गिफ्ट गिफ्ट? कहा था ना बाद में फोन करती हूँ, दिमाग मत खराब करो। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो सीधा मुंह पे बोल देती, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता। मेरी बात मानो, मेरा हाथ छोड़ दो, नाले के रास्ते से 100 की स्पीड से 9 to 11 हो जाऊंगा। मुझे पिटवाने के लिए गुंडे बुलाने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हारे चक्कर में बहुत से इंजेक्शन और गोलियां खा चुका हूँ मैं। मुझ जैसे सच्चे प्यार करने वाले को मारना सही नहीं है, पाप है। ओ, आज तो मैं तुम्हारी सिर्फ टांगे तोड़ूंगी
और तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुला रखी है मैंने। एम्बुलेंस बुलवाई है तो फिर मुझे मारेगा कौन? इसके लिए थैंक यू। अब ये लोग सोचेंगे कि ये ऑपोजिशन की चाल है। पब्लिक सिंपथी, ये नरम दिल लोग हैं। अपने नेता को पिटते देखेंगे तो इनका वोट तो मुझे पक्का मिलेगा। तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो और मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता हूँ, इसीलिए सही सलामत खड़ी हो। अब तुम जाओ पतली गली से, मैं चला तरक्की के रास्ते। क्या गोलमाल की तरह गोल गोल घुमा रही है? क्या कर रही हो? छोड़ो, रुक जाओ। तू तो गया। भागो! अरे संभल के। अरे मेरे बटन तोड़ोगी क्या? अरे अरे शर्ट फट जाएगी, छोड़ो, जाने दो। वीरांगना की बेटी हूँ मैं, अगर तुमने अपना थोपड़ा मुझे दोबारा दिखाया ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। आज का दुखद समाचार, हमारे माननीय नेता कुमार केशवन, जिन्होंने देश प्रेम के लिए अपने प्रेम को भी त्याग कर दिया, सदमा लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तू लड़की की वजह से गुंडों से पिटा और मुझे तो सीधा लड़की ने अपने हाथों से पीट दिया। सॉरी यार। अरे इससे तो अच्छा होता हम एक दूसरे को पीट लेते। होने वाले पीएम सीएम की इतनी इंसल्ट की, क्या दिन आ गए हमारे। इसे भूलना मत, हम चाबुक खाते सर्कस के भालू नहीं है, जंगल पर राज करने वाले शेर है शेर। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हा? नहीं, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम बदला लेंगे। हाँ, और वो कैसे लेंगे उसकी प्लानिंग आज रात को करते हैं। जानता हूँ तुम लोगों का दिल टूटा है, लेकिन मेरे को तो बेटा हुआ है, इसलिए मेरी तरफ से ये छोटी सी ट्रीट। अबे शाने, हमसे कंट्रीब्यूशन लेके ऐसे ट्रीट का नाम नहीं दे सकता तू। बहुत डिप्रेशन में हूँ यार। क्यों, क्या हुआ? कल मेरा बेटा पैदा हुआ, पैदा होने से पहले माँ को गोद भराई में पैसे मिले, अब बेटे को गिफ्ट और कैश मिल रहा है। पूरा 9,000 का कलेक्शन किया, वो भी सिंगल डे में। बीबी ने ताना मारा, जितना मैंने एक साल में नहीं कमाया उससे ज्यादा बेटे ने एक दिन में कमा लिया। इतना ही नहीं, उसने कहा कि शादी से लेके अब तक उससे ज्यादा मैंने अपने ससुर से पॉकेट मनी लिया। मेरे मर्दानगी पे सवाल उठाने लगी। तू टेंशन मत ले यार, लड़कियां ऐसी होती हैं। तो तूने सामने से क्या बोला? अरे मैंने उसे कहा तो कुछ भी नहीं, चुपचाप 9,000 में से 1,000 रुपया चुरा लिया, उसी की बियर पिला रहा हूँ। सिंदरू वाकई में बहुत बड़ा दिल वाला है। बियर कोई भी पिला रहा हो, लीवर तो अपना है ना, जरा आराम से पी, प्यास लगी, जल्दी मरना है क्या? इधर अपनी लाइफ नहीं संभलती, इन लोगों को कहां से संभालूं? अरे इंसान की तरह खा, कभी खाना देखा नहीं क्या? एक घूंट में आधी बोतल गटक गया, और अब इसे क्या हुआ? बियर कड़वी लगी क्या? नहीं, उसने जो मेरी पिटाई की उसका एक्शन रिप्ले हो रहा है। दोस्तों, मैंने तुम सब लोगों से कुछ छुपाया है। क्या? वो गुंडे गली में दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारते तो चलता, क्या करने वाले हो? गोली से मारोगे या तलवार से? नहीं, तबला बजाएंगे। तबले की तरह बजाया, मुझसे उठक बैठक करवाई। 112, 113, 114 और तो और घुटने के बल बिठाया। मैं क्या प्राइमरी का बच्चा दिखता हूँ? खुद की नजरों में गिरा दिया। अब समझा ना प्यार के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, नहीं सुधरेगा। हेलो माय डियर वोटर,
कौन था यार? इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं अगस्त में। हम खड़े भी होंगे और मेरा वादा है हम जीतेंगे भी। जिन्होंने तेरी धुलाई की ना, सिर पे मारा, सॉरी जिन्होंने सिर पे मारा, पर मुझे मारने वाली वो लड़की सबको दिखा देंगे। इलेक्शन क्या खाक जीतोगे तुम दोनों? एक लड़की का दिल तक नहीं जीत पाए। जब एक लड़की जाल में फंसा नहीं पाए तो पब्लिक को फंसाओगे तो तुम्हारा जाल फट जाएगा। कौन देगा तुम लोगों को वोट? पहले प्यार हासिल करेंगे फिर वोट हासिल करेंगे। हाँ, इस नौजवान पीढ़ी के लिए हम आदर्श नेता बनेंगे। इतनी लंबी लाइन, ये सब लोग यहाँ इलेक्शन का टिकट लेने के लिए आए हैं क्या? ऐसे में हमें कौन पूछेगा? ये सब के सब नाकारा लोग शॉर्टकट से पावर पाना चाहते हैं। हाई कमांड से कह दो कि हमने जो लिस्ट भेजी है उसमें से एक का प्रमुख हमको बना दें, वरना हम अपनी असली पावर का इस्तेमाल करेंगे। इतना पावरफुल हो तो एमएलए के आगे एक्स कैसे लग गया? वो हमारी गलती नहीं थी, चेयरमैन ने अपना काम ठीक से किया होता आज एक्स की जगह एबीसी होता। देखिए, पार्टी के वर्कर्स ने पैसे देकर मेरे खिलाफ वोट करवाया। मुझे पॉलिटिक्स सिखाने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा अच्छा काम किया होता तो जीत चुके होते। इतना आसान होता तो मैं दिन रात मेहनत क्यों करता? जानते हो मैंने पार्टी के लिए कितना पैसा और समय दिया है? सिर्फ पब्लिक रैलीज में भीड़ जुटाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए हैं मैंने। सामूहिक विवाह, गरीबों को साइकिल, स्टूडेंट्स को लैपटॉप, गरीबों को डोनेशंस, इन सब में 30 लाख रुपए खर्च हो गए। पांडे, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना, इन सबको इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। यहाँ जज्बात की कोई कीमत नहीं है। मैं हाईकमान से बात करूंगा, दो दिन बाद फोन करो। सबसे कहो कि दो दिन के बाद आए, सालगिरह पर नहीं गए ना इसलिए नाराज हो गए। सुनो पांडे जी, अभी मीटिंग में बिजी हैं, तुम लोग दो दिन बाद मिलने आना, ठीक है? ये तो रोज का सीन है यार, आदत डाल ले। हेलो केशवन। हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है। क्यों? ये देखना है कि मैं जिंदा हूँ या जख्मों पर नमक छिड़कना है? 1000 times sorry, प्लीज मुझसे मिल लो। देखो पहले से बहुत परेशान हूँ और मार खाने की हिम्मत नहीं है। अरे यार प्लीज। नहीं आऊंगा। आना पड़ेगा, मुझे आज और अभी ही केशवन से मिलना है, वरना। क्या हुआ, अचानक से इतना मुंह क्यों लटक गया? कुछ नहीं, एक जरूरी काम याद आ गया, जाके आता हूँ। अच्छा तेरे पास काम है वो भी जरूरी? कोई टेंशन है तो बोलना, मैं भी साथ में चलता हूँ तेरे। कोई जरूरत नहीं है। हेलो माय डियर वोटर, अच्छा तू चल, मुझे भी एक जरूरी काम आ गया। तुमसे बात करनी है। अच्छा, लात से या हाथ से? उस दिन मारा वो काफी नहीं था? ये मेरा इलाका है। ए जमाल पकिया, ए सोडा बोतल लेके आ रहे, तलवार कहाँ है मेरी? क्या हुआ? मुर्गन, मेरे मुर्गे। हेलो, इस बार पिटवाने के लिए किसको भेज रही हो? तुम्हारे पापा ने गलती से तुम्हारा नाम बेबी रख दिया, तुम्हारी हरकतें तो हुंडो वाली हैं। स्कूल में कभी टीचर से इतनी मार नहीं खाई मैंने। छी, रखो फोन। तुम्हें डांटने का पूरा हक है। दुनिया में हमेशा सिर्फ सच्चाई की जीत होती है, ये मुर्गन का आज का ज्ञान है। ये लाइन यहाँ किस लिए? तुम्हारी समझ के बाहर है, चलो फोन रखो। हाँ?